अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहराबाद होंगे। तो वेलकम कहती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना हमारी जो गैस लाइन है वो न्यू पड़ रही थी, तो उसका जो कनेक्शन कट किया हुआ था, तो मुझे ना सारा काम जो है हीटर पर करना पड़ रहा था। तो बस मैंने सुबह उठ के ना तो बोला चलो आज ना अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। अच्छा, चूल्हे की नस्बत ना हीटर की चीज़ में टेस्ट ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों। बनती तो मतलब पक्की है लेकिन ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। और रोटियां बहुत मज़े की बनी थी, इतनी नरम नरम और इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे थे ना, जैसे बीच में बिल्कुल अलग हुए। पता नहीं उसकी क्या रीज़न थी कि ये मतलब सेंटर में जलता है, पता नहीं क्या मसला है। हालाँकि ऐसे तो बीच में रोटी जल जाती है, लेकिन जब जल्दी पलटो ना तो फिर मतलब इतनी नहीं जलती। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम आली रोटी बनाई थी ना, पराठे नहीं बनाए थे, आली रोटी मैंने बनाई थी, तो मेरे से सारी जल गई थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से रोटी जल रही थी। तो फिर उसके बाद ना मैं अब जब पकाती हूँ ना तो तवे को बस थोड़ा सा टाइम पहले रखती हूँ कि जब मैं रोटी बस डालने वाली हूँ तो फिर जो है सही होती है। वरना उस दिन ना मैं पहले रख के भूल गई थी, जैसे मैंने बोला पता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने बोला रख के मैं अंदर कमल वगैरह जो है वो फोल्ड करने लग गई। तो उस चक्कर में ना तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो जिसकी वजह से ना रोटी सारी जलने लग गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं हीटर पर रोटी नहीं बन सकती, लेकिन जब मैंने ना दोबारा तजर्बा किया ना तो बहुत ही मज़े की रोटी बनी थी। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के हीटर है ना, तो आजकल तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में गैस का मसला बना हुआ है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ना गैस बहुत कम आती है, कहीं आती है कहीं आती नहीं है, मतलब कई लोग जो है इसका जो है शिकार है। तो अगर आप लोगों को गैस नहीं आ रही तो आप इस तरह का हीटर बाय कर सकते हैं और इस पर बहुत अच्छी तरह खाना बन सकता है। आप लोगों को किसी टाइम टेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपके घर में गैस है या नहीं है, पूरा खाना बन सकता है। मैंने ना इसमें दो दफ़ा जो है चावल बनाए थे, एक दफ़ा मैंने जो है कराची बिरयानी बनाई थी और दूसरी दफ़ा जो नॉर्मल पुलाव होते हैं ना उस तरह के बनाए थे, तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं और जो है अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी रोटी भी बन गई है बस, और यहाँ पे मेरे जो हाथ जो बहुत ज़्यादा आटे वाले थे ना उसको इग्नोर करना, पता नहीं मेरे हाथों ऊपर वाली साइड इतना ज़्यादा आटा क्यों लग गया मैंने इस वक्त नहीं देखा। मैंने अब जाके देखा है जब मैं वीडियो में मतलब एडिट कर रही थी ना, तो फिर मैंने देखा कि मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा पता नहीं एक्स्ट्रा आटा लग गया था, ये कहाँ से लगा। तो बस ये है नेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, बस हम ग्लोस्टी करके आ रहे थे, तो बाहर उतरे तो मैंने बोला चलो जो है ना थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत मज़े का हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और ये उस दिन का सीन है ना जब कराची में बारिश हुई थी, तो कराची में ज़ाहिर है बारिश कभी कभी होती है, तो फिर मैंने बोला कि चलो रिकॉर्ड कर लूँ, बहुत ही मज़े का मौसम होता है। तो बस सब बच्चों के लिए हम लोग चली ले के आए थे, तो मैंने बोला कि चलो बच्चों को ना ये छली बॉईल करके दे दूँ, क्योंकि ये भी ना बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन होता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ले आती हूँ, लेके आई। और इसको मैं क्या करती हूँ, जब मैं लेके आऊँ ना तो सुबह में सबसे पहले ना इसका काम करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ना ये फ्रिज में रखने की वजह से कितने ठंडे हो रहे थे। तो बस मैं सुबह ये काम करती हूँ, क्योंकि जब किचन की क्लीनिंग कर लो ना तो उसके बाद अगर इनको छीलो तो दोबारा से ये सारा गंद बना देती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किचन क्लीन करने से पहले ना जो है इनको छील के उबालने के लिए चढ़ा दूँ, तो फिर जो है किचन क्लीन करूँ, क्योंकि किचन क्लीन करके ना तो फिर इसके सारे बाल जो होते हैं ना वो गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं पहले इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी सब, और उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी और किचन क्लीन करूँगी। आप लोगों ने देख लिया होगा कि पीछे मेरे बेसन में ना गंदे बर्तन पड़े हुए हैं, तो यही रीज़न है कि बस मैंने बोला सबसे पहले ना मैं ये वाला काम कर दूँ, उसके बाद किचन की इनकी लिंक करूँगी। तो ये चलिए बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गई थी, मैंने इनको ना मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे तक उबाला था, लेकिन इतने मज़े की सॉफ्ट होकर बनी थी ना, बहुत ही अच्छी। मैंने आधी इनमें पहले निकाल ली थी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, मैंने बोला इनको दे दूँ, लेकिन तब इतनी अच्छी गली हुई नहीं थी। लेकिन दोबारा मैंने ना इसको मतलब इसकी जो फ्लेम है वो लो करके तो रख दिया था, तो बहुत अच्छी तरह गल गई थी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, अगर आपके बच्चे लेके जाते हैं तो लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये सारा काम करूँगी, उसके बाद अपने बर्तन वर्तन वॉश करूँगी। तो बस आप लोगों से बातें बातें भी हो रही हैं क्योंकि रमज़ान आ गया, तो आप लोगों से बोलूँगी कि ना इस रमज़ान आप लोगों ने मतलब वो रिकॉर्ड तोड़ना है ना जो इससे पहले ना आप लोगों ने कभी भी ना किया हो। मतलब आप लोगों ने ना जितनी इबादत इससे पहले ना की हो ना, आप लोगों ने इस रमज़ान ना उतनी इबादत भी करनी है। तो बस साथ साथ आप लोग मेरा व्लॉग देखते रहें, व्लॉग चल रहा है,
ये एक और शादी, हम शादी पे गए थे तो बस मैंने बोला थोड़ा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, तो आप सब साथ वीडियो मतलब देखें और साथ बातें करें। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मतलब रमज़ान में इतनी इबादत करें ना कि इससे पहले अगर आप लोगों ने ना किसी रमज़ान में ना की हो, जिस तरह आप लोगों ने तहज्जुद ना अदा की हो पहले रमज़ान में, तो इस दफ़ा आप लोग ना नियत कर लें कि इंशाल्लाह ना आप लोग इस रमज़ान जो है अपने जो है तहज्जुद पक्की पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये कर लेना है कि अगर आप लोग ना सलात व तस्बीह नहीं पढ़ते तो आप लोग ना कोशिश करें कि इस दफ़ा रमज़ान में पहले तो हर रोज़ हर रोज़ नहीं, तो आप लोग कभी कभी, अगर कभी कभी ना तो मतलब एक दफ़ा आप लोग लाजमी सलात व तस्बीह भी पढ़ें और उसके बाद कुरान भी पढ़ लें। और उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, अगर आप लोगों को किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता, आप लोग काम में बिज़ी हैं, जिस तरह हाउस वाइफ है वो जो है बच्चों में घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, तो उनके पास हो अगर और कुछ मतलब टाइम इबादत का हो या ना हो, इस चीज़ का टाइम ज़रूर होगा कि अपनी ज़बान पर जो है ना हर टाइम तस्बीह करें। आप अपने ज़बान पे जो है ना हर टाइम एक तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करें जो कि सबसे बेहतर तस्बीह है, तो ज़ाहिर है वो मगफरत का रहमत का महीना होता है, तो आप लोगों ने ना जो अस्तगफार की जो है तस्बीह वो लाजमी पढ़नी है। और उसके बाद जो है आप लोगों ने अल्लाहुम्मा जर्नी मिनन नार के जो विर्द वो करना है। बस इस तरह जो छोटे छोटे जो विर्द होते हैं ना, कोई इतना टाइम नहीं लगता इन पे, या हमारा को जिस तरह कह लें कि टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा काम ज़ाया नहीं होता, तो आप लोग जो है वो तस्बीह कर सकते हैं और साथ साथ अपना सारा घर का काम कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का जो है घर का काम है, कुकिंग है या क्लिनिंग है ये जो भी है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हम शादी पर जो है हमारा खाना शाना हो गया था, तो मैंने मुदस्सर को आखिर में बोला कि मुदस्सर आप इस तरह करें ना मेरा क्लिप ले लें, लेकिन मुदस्सर ने ऐसा क्लिप लिया ना, जब बाद में देखा तो ऐसा लग रहा था जिससे कहीं शेलिंग वगैरह हुई हो, सारा धुआं ही धुआं लग रहा था। तो बस मैंने बोला कि चलो अब डालना तो है, अब मेरे पास दोबारा ऑप्शन तो कोई नहीं है कि मैं इसको दोबारा बनाऊँ, क्योंकि मैंने घर में आकर देखा था ना, अगर वहाँ देखती तो मैं इससे दोबारा एक क्लिप बनवा लेती, लेकिन जब मैंने देखा ना तो मैं घर में आ गई, फिर मैंने बोला चलो डालना। तो यहाँ पे मैं पी रही थी कश्मीरी चाय थी, पता नहीं कॉफ़ी थी, कोई टेस्ट नहीं था, ऐसा लग रहा था ना कि आप लोग गर्म पानी पी रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला चलो इन्हें छोड़ो। तो बस यहाँ पे है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा था तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँ अपने बच्चों को रिज़ल्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मुबशर को ना स्कूल वालों ने सुबह सुबह बुला लिया था क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, ज़ाहिर है उनकी कुछ एक्टिविटी करानी थी, क्या करवाना था, तो उसे सुबह 9 बजे छोड़ आए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे यहाँ 10 बजे के टाइम, और मुस्कान का रिज़ल्ट भी था, लेकिन मुस्कान को ना उन लोगों ने सुबह बुलाया नहीं था, तो मुस्कान को बाद में जाना था, तो मुस्कान हमारे साथ ही जा रही है। और बस मैं अभी जाके बच्चों का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये वाला पहना हुआ है, आप लोगों को दिखाया नहीं है कि मैंने कौन सा पहना हुआ है, ये नया लिया था, आधा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन बस क्यों मुझसे जो है वो डिले होता जा रहा है। तो बहुत ही मज़े का ये प्रिंटेड है आजकल, क्योंकि प्रिंटेड का जो है मतलब फैशन ट्रेंड में आ गया, तो इसलिए ये वाला जो है ना मैंने पहना हुआ है। तो ये मैंने जो है गल्फ से बाय किया था, 3 तलवार के सामने जो मार्केट है ना गल्फ, वहाँ से मैंने लिया था। तो बस यहाँ पे हम बच्चों की रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, तो माशाल्लाह दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छी पोजीशन ली है, मतलब अच्छे। मुस्कान की जो थी ना 95% थी और मुबशर की जो है 94 थी। तो यह पे हमने बोला मुबशर को वापसी पे क्लास से जो है पिक कर लेंगे, तो मुबशर बहुत खुशी ही आ रहा था क्योंकि उसके पास ना जो है मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह थे जो स्कूल वालों की तरफ से गिफ्ट मिले थे, तो यहाँ पे देख के खुश हो रहा था। तो बस बच्चों के ना छोटे मोटी यही खुशियाँ होती हैं। तो माशाल्लाह दोनों बच्चों ने ना बहुत ही अच्छे से जो है नंबर लिए। तो बस वहाँ से हम लोग फिर हमने बोला चलो पेट्रोल वगैरह भी डलवा लेंगे और सब बच्चों को कुछ और लेना होगा तो ले लेंगे। तो ये मुबशर की रिपोर्ट कार्ड जो है अच्छी खासी उन लोगों ने सजाई हुई थी, और जो मुस्कान के सिर्फ स्टार लगाए हुए थे, ये स्टार भी ना मुस्कान से उन लोगों ने घर से मंगाए थे कि आप लोग स्टार लेके आए तो आप लोगों को उस पर लगेंगे। तो ये मुबशर की वो बुक है जिसपे वो एक्टिविटी क्लास में करता रहता था। तो बस अगर आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ ना आप लोगों को उसका फ्यूचर मिल जाए। तो यहाँ पे बस वापस आके ना मैंने बोला कि आज जो मुझे कुछ इस तरह हेल्दी नहीं खाना, मुझे जो है थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल खानी है। बच्चे मेरे साथ हंस रहे थे कि मम्मा आप लगता है पक्की डाइट पर आ गई। तो बस यहाँ पर बस मैं अपना जो है
मतलब लंच इंजॉय करूँगी, इसको लंच ही कह लूँ क्योंकि मैंने यही लंच के तौर पे खाया था, मैंने इस दिन खाना नहीं खाया था। तो बस ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है हमारे पास, जिससे ना हमारा पेट पूरी तरह भर भी जाता है और हमें मतलब इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, तो मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप रमज़ान के ब्लॉग में मिलूँगी, ब्लॉग मेरे पास और भी क्लिप पड़े।